नाउ द प्रोसीजर प्रोसीजर स्टार्ट फ्राम एनेस्थीसिया द पेशेंट इज गिव जनरल एनेस्स्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को जनरल भी दे सकते हैं एनेस्थीसिया या तो स्पाइनल दे सकते हैं जनरल मीन्स जिसमें फुल बॉडी एनेस्स्थिटाइजेशन होती है एंड द स्पाइनल मीन्स एनेस्थिटाइजेशन फ्राम एम्बलाइकस अप टू द टोज अप टू द लोअर लिम पोजीशन पेशेंट को कौन सी दी जाती है लैटरल पोजीशन दी जाती है लैटरल मींस पेशेंट को थोड़ा सा लैटरल uh, साइड लिया जाता है या तो लेफ्ट लेटरल या तो राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल मींस अगर uh, इसका राइट जॉइंट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट right, लेटरल देंगे अगर राइट जॉइंट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट लेटरल देंगे आफ्टर प्रिसर्जिकल स्किन वॉश एंड ड्रेपिंग मीन्स प्रिसर्जिकल स्किन वॉश जो है ये टेक्निक है बिफोर द सर्जरी किया जाता है ये आपको पता है इसमें हम बटर इन का यूज़ करते हैं जो ये सर्जिकल एरिया है इसको क्लीन किया जाता है बाई यूजिंग बेटरडीन बेटर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ड्रेपिंग वट इज़ ड्रेपिंग टेक्निक इन दिस टेक्निक वी यूज ट्रायल ड्रेप शीट्स टू कवर द सर्जिकल एरिया दैट मीन्स आफ्टर सर्जिकल स्किन वॉश एंड ड्रेपिंग वी मेक ए इंसीजन वी मेक ए इंसीजन और द हिप जॉइंट हिप जॉइंट के ऊपर बिल्कुल एक इंसीजन दिया जाता है इंसीजन को थोड़ा सा डीप किया जाता है द इंसीजन इज़ टू बी डीपर्नड एंड द मसल्स आर एक्सपोज मसल्स को एक्सपोज किया जाता है एंड रिट्रैक्ट डाइसेक्टेड एंड रिट्रैक्टेड मसल्स को थोड़ा सा डाइसेट किया जाता है इनको थोड़ा अलग कर किया जाता है उसके बाद इनको रिट्रैक्ट करते हैं रिट्रैक्शन करते हैं मसल्स को ताकि हमें जो हिप जॉइंट है वो नज़र आए ताकि हिप जॉइंट हमें नज़र आए